नमस्ते, खेड़ेकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कविट की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इजी और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है इस साइज़ का एक कविट, जिसे हमने फोड़कर उसका पल्प निकाल लिया है। ये पल्प लगभग 100 ग्राम के करीब है। गुड़ हमने यहाँ पर लिया है लगभग 60 ग्राम। गुड़ हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच काला नमक। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये पल्प डालेंगे कवीट का। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे और इसे चम्मच या फोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि गुड़ जो है वो कवीट में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं या फिर इसे खलबत्ते पर भी पीस सकते हैं। खलबत्ते पर पीसने से और हाथ से मिक्स करने पर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इसमें एक हल्का सा दर्दापन कवीट में रह जाता है। और आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट हमें लगे हैं ये चटनी बनाने में। ये देखिए, गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं, और चटनी भी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, कवीट की बहुत ही टेस्टी और खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।